अगर आपने अपने घर में अभी तक कोई स्तंभ नहीं लगवाया है, या अपने बिहार में कोई स्तंभ नहीं लगवाया है, या कहीं ऐसी जगह स्तंभ जहां सार्वजनिक रूप में लगना चाहिए नहीं लगवाया है, तो कम से कम एक छोटा स्तंभ 6 इंच का 8 इंच का। भीमा कोरे गांव पुणे के अंदर एक स्तंभ वहां पर लगा हुआ है जो शौर्य गाथा बताता है भारत के मूल निवासियों की, भारत के समण लोगों की, भारत के बहुजन लोगों की। वो बताता है कि कितने शौर्यवान लोग रहे हैं कि जब लड़ने पे आए तो एक एक आदमी के हिस्से में 56-56 दुश्मन आए और वो अकेला ही 56-56 दुश्मनों से भिड़ा। 28,000 दुश्मन सामने युद्ध के मैदान में और 500 की सेना भारत के मूल निवासियों की, भारत के बहुजनों की, भारत के समणों की। और उसकी याद में बना वहां पर एक स्तंभ जिसको भीमा कोरे गांव स्तंभ कहते हैं और 1 जनवरी को वहां लगता है बहुत बड़ा मेला। एक अकेला सबके बीच अंबेडकर, वो रक्त बीज जो हर 1 जनवरी को वहां जाया करते थे अपने पूर्वजों से मिलने के लिए, उनकी युद्ध की हुंकार सुनने के लिए, उनकी वो दहाड़ सुनने के लिए जो युद्ध के मैदान में उन 500 मूल निवासियों ने और समणों ने जो हुंकार भरी, तो 28,000 लोग देखते देखते भाग गए। उस आवाज का वहां पर बार 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 प्रतिध्वनि आना और डॉक्टर अंबेडकर जैसे रक्त बीज का वहां जाना, इस बात को बताता है कि वो पहला और आखिरा स्तंभ नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने बताया कि ये जो देश है चंद्रगुप्त मौर्य का और हम उनके वंशज हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोत्र हैं, नाम बहुत गजब का है, हालांकि संस्कारित करके खराब करने की कोशिश की है। पिय दस्सी मतलब जिसके दर्शन प्रिय हों। समरठ का मतलब जिसके राष्ट्र में रठ में समता ही समता है। चंड और प्रचंड, जो आग का तेज होता है, जो आग की रोशनी होती है, उसको चंड और प्रचंड बोलते हैं। प्रचंड माने पूरी तरह से चमकती हुई और चंड माने चमकती हुई। चंड प्रचंड। धम्म चक्रवर्ती मतलब जिसने धम्म का चक्र घुमाने वाला घुमाया हो, जिसने पूरे ईरान से लेकर बर्मा तक धम्म को फैलाया हो। अशोक का मतलब जो शोक ना हो, जिसे देख के शोक ना होता हो, दुख ना होता हो, अशोक। ऐसे सम्राट धम्म चक्रवर्ती, पियदस्सी, चंड प्रचंड, अशोक ने पूरे भारत में ईरान से लेके और बर्मा तक स्तंभ ही स्तंभ बनवाए। विजय के स्तंभ, धम्म के स्तंभ, पताकाएं, भारत के गौरव का स्तंभ। और कुछ लोगों ने वो तोड़े भी हैं। ये प्रमाण है कि जगह जगह वो स्तंभ टूटे हुए हैं। उन स्तंभों को तोड़ने कौन आया? अगर कोई बाहर का आदमी होता तो जितनी भी पुरानी चीजें हैं उन सब को तोड़ता, खाली धम्म की और बौद्ध की चीजों को नहीं तोड़ता। क्योंकि जब कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो वो हेलीकॉप्टर में उड़ के नहीं आया, हवाई जहाज से पैराशूट में नहीं आया, वो चल के आया होगा। और जब चल के आया होगा तो उसे भारत की जो राजधानी उस समय की रही, जिसको इद्दीपस्त बोलते हैं, इद्दीपस्थान, जहां पे इद्दियों का प्रस्थान होता था, भगवान बुद्ध की इद्दियों का प्रस्थान, वहां से लेकर जब आगे तक चला होगा तो उसे रास्ते में बहुत सारे पुरानी चीजें मिली, मगर उसने कुछ को छेड़ा, कुछ को नहीं छेड़ा। इसका मतलब बाहर से आने वाला जो व्यक्ति था, या तो उसे कोई बता रहा था कि इसको तोड़ना है, इसको नहीं तोड़ना है, या बाहर से कोई आया ही नहीं, अंदर से भी कोई व्यक्ति है जो देख देख के पिक एंड चूज, यानी चुन चुन के चीजों को तोड़ रहा है। ये जो स्तंभ है, ये विजय स्तंभ है, इसके दोबारा से बनने के जितने भी प्रमाण थे वो बहुत तेजी से बन रहे हैं। अब लोग अपने बिहारों में, अम्बेडकर भवन में, अपने घरों में, अपने ड्राइंग रूम में, छोटे बड़े, बड़े से बड़े, यानी 2 इंच का 4 इंच का 6 इंच का 8 इंच का 10 इंच का 10 फुट का 20 फुट का 30 फुट का 80 फुट का स्तंभ पूरे भारत में और भारत के बाहर बन रहे हैं। विजय स्तंभ,
किसी स्तंभ के ऊपर शेर है, किसी स्तंभ के ऊपर सिंह है यानी सिंह है, किसी स्तंभ के ऊपर बैल है, किसी स्तंभ के ऊपर घोड़ा है और किसी स्तंभ के ऊपर अशोक का चक्र है। ये सारे के सारे जो स्तंभ बन रहे हैं ये बहुत पुरानी विजय की परंपरा रही है। आज जो नौजवान हैं भारत के मूल निवासी समण, वो अपने सीने पे अपने हाथ पर गोदना के रूप में इन स्तंभों को बनवा रहे हैं, अशोक के चिन्ह को बनवा रहे हैं। लोग अपने ड्राइंग रूम में, अपने घरों में, अपने ऑफिस में बहुत तेजी से जो धम्म के चक्र हैं या जो सिंह हैं या जो स्तंभ हैं या जो सम्राट अशोक की यादें हैं उनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी जो प्रति कॉपी हैं, वो जगह जगह बन रहे हैं। इसको इसलिए भी याद रखना चाहिए क्योंकि भारत की ऐसी हजारों गाथाएं हैं जो स्तंभ के रूप में जगह जगह गड़ी पड़ी हैं, पर उनकी जो यादें हैं या जो उनकी मेमोरी है या जो इनका लिखा हुआ है या जो उनके बारे में किसी ने बताया है मेमोरी टाइप का, वो नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है या ढूंढना पड़ता है। पर इसकी चिंता नहीं, क्योंकि भारत का जो गौरव है उसके स्तंभ आज भी चारों तरफ खड़े हुए हैं और अब बहुत तेजी से स्तंभ बन रहे हैं। अगर आपने अपने घर में अभी तक कोई स्तंभ नहीं लगवाया है या अपने बिहार में कोई स्तंभ नहीं लगवाया है या कहीं ऐसी जगह स्तंभ जहां सार्वजनिक रूप में लगना चाहिए नहीं लगवाया है, तो कम से कम एक छोटा स्तंभ 6 इंच का, 8 इंच का, 10 इंच का, 1.5 फुट का, 2 फुट का अपने घर में कहीं रखवा लीजिए। ये आपको अपनी गौरव गाथाएं, अपनी विशाल जो विजय की वीरता की कहानियां हैं उनकी याद दिलाता है। आपको पता चलता है कि आपके भारत के जो धम्म चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, सम्राट रहे हैं, आप उनके वंशज हैं। स्तंभ जरूर बनवाइए क्योंकि स्तंभ कला बहुत ही उत्कीर्ण और बहुत ही बढ़िया कला है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Gacchami. Tatiyam.
कामेशु मिच्छचर विर्मनि सिक्खापदं स्मादियामि।